आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसी दुनिया का एक ऐसा द्वीप है जहां से भविष्य देखा जा सकता है। वो बात अलग है कि यहां आने पर पाबंदी है और लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आपने टाइम ट्रेवलिंग को लेकर तमाम कहानियां सुनी होंगी, कोई सैकड़ों तो कोई हजारों साल आगे जाने का दावा करता है और कुछ ऐसी घटनाएं भी बताता है जो हमारे सामने आने वाली है। वैसे आप भी सोचते होंगे कि वाकई भविष्य को देखा जा सकता है, इस पर सदियों से रिसर्च चल रही है। आधुनिक विज्ञान भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार किसी ने भी नहीं किया है। वैसे अगर हम आपसे कहें कि धरती पर हजारों वर्षों से एक ऐसी जगह मौजूद है जहां टाइम ट्रैवलिंग संभव है, तो शायद ही आप यकीन करेंगे, लेकिन ये सच है। ये जगह है डायोमीड द्वीप, जिसे बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड में बांटा गया है। दिलचस्प ये भी है कि ये दुनिया की दो प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों अमेरिका और रूस को जोड़ता है। यहाँ की खासियत है कि इस एक छोर से दूसरे छोर तक आपका सफर टाइम ट्रेवलिंग का होता है, क्योंकि आप अतीत से भविष्य में पहुंच जाते हैं, भविष्य में पहुंच जाते हैं। इंसान बिग डायोमीड लिटिल डायोमीड के बीच सिर्फ 3 मील यानी 4.8 किलोमीटर दूरी होने के बाद भी अतीत और भविष्य का सफर करा देते हैं। इसके पीछे की वजह है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन से गुजरने वाली इंटरनेशनल डेप लाइन। इस लाइन के जरिए बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये कैलेंडर के एक दिन और दूसरे दिन के बीच की सीमा होती है। बिग डायोमीड को टुमारो और लिटिल डायोमीड को यस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। 1728 में हुई थी द्वीप की खोज। जाड़े के मौसम में इन दोनों द्वीपों पर बर्फ के जमने के चलते एक पुल का निर्माण हो जाता है। इस पुल के जरिए लोग दोनों द्वीपों की यात्रा पैदल ही कर सकते। अगर वे सोमवार को एक छोर से चलेंगे तो दूसरे छोर तक पहुंचते ही मंगलवार हो जाएगा। ऐसे ही वे भविष्य से अतीत में भी लौट सकते हैं, लेकिन कानूनन इसकी इजाजत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था, तो दोनों देशों ने बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के जरिए सीमा का रेखांकन किया था। इन दोनों द्वीपों का नाम डेनिश रशियन नाविक विट्स बेरिंग ने रखा था। उन्होंने 16 अगस्त 1728 में इन दोनों द्वीपों की खोज की थी।